कैसे बोला समाज में हम 5 साल आप ही के साथ में रहेंगे। मैं बयान साहब को बोले आज बीजेपी में क्यों मिल गया, धोखेबाजी नहीं हुआ लेकर आएंगे भाजपा में मिला है ना पूछने के लिए। उस महिला से पूछिए जो दूध से नहलाए हुए हैं, उस महिला को तकलीफ नहीं है तो आपको कहे इतना चल रहा है। दूध खरीद के महिला को दे, महिला को पास जाइएगा तब 5 साल आपके साथ रहेंगे, कोनो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन साथ रहेंगे। आज चले गए, आज छोड़ के चले गए, आप मुखिया में नहीं जीतेगा, वो मुखिया में मनीष कश्यप नहीं जीतेगा, कैसे जीतेगा, नहलाया गया था उसका खर्च कौन देगा। मनीष कश्यप अभी बहुत झूठा पार्टी है और बीजेपी में भी गया है, उसका फॉर्म भी है बड़का झूठा पार्टी। कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है। मनीष कश्यप बोले थे लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना में है। यूट्यूबर मनीष कश्यप जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से जो बीजेपी समर्थक है उनकी खुशी है, वो खुश है, कह रहे हैं कि बीजेपी में ही शामिल होना था उन्हें, वो गए खाते तो उनका घर था। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके कुछ फैंस हैं वो उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप देखिएगा, ट्विटर पे ये हैशटैग चल रहा है कि मनीष कश्यप ने क्या किया। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे तो आखिर उनको क्या ज़रूरत थी एक पार्टी ज्वाइन करने की। और इसी सब राय में पटना की जनता से पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने पर। लालू यादव जेल में गए, आप लोग को नहीं पता, बिहार के जनता को नहीं पता लालू यादव के बारे में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 16-17 साल है। देखिए वो सब बात छोड़िए, कोई भी बात नहीं हम बोलना चाहते हैं, आप लोग इतना समझिए। ऐसे कैसे था, हम भी बोल सकते कि आप भी नीतीश कुमार के, आप भी नीतीश कुमार के भाई जरूरी नहीं है। हम लोग को रोजगार की बात करनी है, ठीक है, हम युवा हैं। यहाँ पे रखते हैं मनीष कश्यप, सुनो बाबू तुम बोला लालू यादव तेजस्वी यादव माँ चोर है, रोड पे खड़ा हो किसका देन है, एक मिनट किसका, बीजेपी का देन है, बीजेपी का देन है रोड पे खड़ा, एक मिनट रुकिए, बीजेपी तो 2014 मनीष कश्यप का हो रहा है ना, जिसको प्रमोट करते हैं ना उसको प्रमोट कीजिए, बताइए उसके बारे में, हम भी उसके बारे में बताते हैं। तेजस्वी यादव के बीच में कह लिया बात, तेजस्वी यादव चोर है, कैसे बोला चोर, तुम्हारे घर में सोना चुराया, क्या चुराया तुम्हारे घर में, रुपया चुराया आप लोग के बारे में नहीं। चोर है तेजस्वी, देखिए बात यहाँ पर तेजस्वी यादव उन लोग का नहीं है, मनीष कश्यप। हाँ बस एक बात बताइए, उतना देर से मनीष कश्यप मनीष कश्यप मनीष कश्यप, अरे उनका मन है भैया, उनका लोकतंत्र का अधिकार है, कहीं भी शामिल हो किसी पार्टी में भी शामिल हो, इतना दिक्कत है खड़ी हो जाइए खुद। आप बिहार का विकास करिए, नहीं करेंगे क्यों करेगा, गरीब का साथ धोखेबाजी क्यों करेगा, अरे कौन किसके, ठीक है मनीष कौन कर दिया, साथ रहेंगे मनीष कश्यप बोले समाज में हम 5 साल आप ही के साथ में रहेंगे। मैं बयान साहब को बोले आज बीजेपी में क्यों मिल गया, धोखेबाजी नहीं हुआ, मनीष कश्यप का विरोध वही कर रहे हैं ना जो पहले भी, मनीष कश्यप का भी विरोध वही कर रहे हैं जो पहले भी विरोध करते थे और जो पहले भी सपोर्ट करते थे ना वो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। घर में लड़ाई होता है अपन बाबूजी से लेकर नाराज होता था, एकर मतलब कोची की दूसर के बाप बना लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले भी विरोध करते थे आज भी विरोध करते हैं, जो दूध से उनको नहलाई महिला, एक सेकंड रुको अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं पहले रुक जाओ, अभी जो दूध से उनको नहलवाया गया वो महिला तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रही है भैया, उनको तो कोई तकलीफें नहीं है, क्या जरूरत है। पहले मनी सुनिए, एक आदमी बरियार होता है कि 10 आदमी बरियार होता है, फिर 10 आदमी बरियार होता है, रुके अभी भाजपा में मिल गए और अच्छी बात उनके पास पावर आ गई है, अब और अच्छे से विकास करेंगे, गजब बकचोदी करते रहते हैं। लेकर आएंगे भाजपा में मिला है ना पूछने के लिए, उस महिला से पूछिए जो दूध से नहलाए हुए हैं, उस महिला से पूछिए। यादव जी तुम कितनों कोई कुछ कर लो, तेजस्वी कहरावे वाला भी ना है को बिहार में, तो 20 में बहुमत काहे नहीं आ गया, 79 सीट पर काहे लटक गया, बोलिए ना 79 बीजेपी के क्या गो 78 भैया 78 भैया।
भैया हम बात किए बीजेपी का, आप बात किए कोई ना रहता है, कोई नाराजगी बन रही है। सबसे अहम और मूल्यवाद क्या है, राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ये बिहार के लिए गौरव की बात है। सत्ता में हो कोई भी रहे, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवा आया है नया कार्यक्रम लाएगा और नई नीति के साथ बिहार का मनोज किशोर पर विश्वास रखिएगा। देखिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सबको स्वतंत्रता है अपने राजनीतिक का एक अधिकार का प्रयोग करने का, चाहे वो मनीष कश्यप हो, तेजस्वी हो, चिराग हो। सबसे अहम बात है युवाओं की राजनीतिक में भागीदारी बढ़ रही है, बिहार के लिए सुख सकते हैं। मनीष कश्यप के बुराई सब लोग दिखा रहे हैं, मगर मनीष कश्यप कंप्यूटर वाले लोगों को इतना मदद किए उसके बारे में कोई नहीं आवाज उठा रहा। आज सब बोल रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन हो गया, बीजेपी में ज्वाइन, अरे भैया बीजेपी में ज्वाइन हो गया मनीष कश्यप, पहले सांसद बनने का प्रयास था, उसको मुख्यमंत्री बनना, जो सांसद बन के नहीं कर पाया तो मुख्यमंत्री से सोच रहा है कि मुख्यमंत्री बन के करे विकास, अगर बिहार को विकास करना मुख्यमंत्री कैसे बनेगा तो बताइए, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, वो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, बीजेपी नहीं ना, हाँ तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा वो, अगर निर्दलीय में नहीं जीता तो आप मुखिया में नहीं जीतेगा, वो मुखिया में मनीष कश्यप नहीं जीतेगा, कैसे जीतेगा, नहलाया गया था उसका कर्ज कौन देगा, जो चंदा लिया था चंदा का पैसा कौन देगा, जनता का पैसा कौन देगा, बताइए देगा नहीं देगा, दूसरे महिला नहाए चंपारण में जाओ। अरे महिला को तकलीफ नहीं है तो आपको कहा इतना चल रहा है, दूध खरीद के महिला को, महिला के पास जाइएगा तब ना, महिला के पास तो आप जाते नहीं है, पूछे कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ गए, अरे उनके घर का बेटा है, वो भाजपा ज्वाइन कर लिया, वो और पावरफुल हो गया, इस चमचो को काहे तकलीफ हो रहा, पहले जब विरोध करते थे तब भी दिक्कत, आ जाके मिल गए तब भी दिक्कत, अरे भैया उनका पार्टी उनका मन उनका लोकतंत्र, कहीं भी शामिल हो, आरजेडी में शामिल होते ना तो एक बोली नहीं मिलते, काहे गाड़ दिया, जन आई था जब तुमको कभी बोले हम नहीं जाने के लिए, लेकिन धोखा नहीं करना चाहिए, हम 5 साल आपके साथ रहेंगे, कोनो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन साथ रहेंगे, आज चले गए, आज छोड़ के चले गए, आज छोड़ के चले गए, ज्वाइन करके भाजपा ज्वाइन करके वो अपने जहाँ के वो है वो अपना जगह छोड़ दिएगा, भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो गया से क्या लड़ रहे हैं कि अपने जगह ही ऐसे लड़ेंगे, आराम रखिए, 25 विधानसभा स्टार्ट होने दीजिए। एक बात बोले, एक बात देखिए, मनीष कैसे अभी बहुत झूठा पार्टी है और बीजेपी में भी गया है, उसका फॉर्म भी है बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, वो गया है कोई बात नहीं, बड़का झूठा पार्टी में तकलीफ मनीष कश्यप से नहीं है, इनको तकलीफ है ना कि मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन काहे कर लिए, भाजपा ज्वाइन कर लिए ना तो मनीष कश्यप का जितना भी वोट था सब वोट भाजपा में जुड़ जाएगा, गलत बात पहले पहले नहीं नहीं आरजेडी में तो जाने के लिए खुश था, आरजेडी में जाने का मनीष कश्यप नहीं खुश था, मनीष कश्यप खुद बोलेंगे, मनीष कश्यप खुद बोलेंगे हम तेजस्वी यादव के पार्टी में गए, हमको शामिल नहीं किए, वीडियो दिखा रहे, ये कभी नहीं गया मनीष कश्यप राजद के पास, कभी नहीं गया, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा मनीष कश्यप, नहीं जाएगा, मनीष कश्यप बोले थे लाल यादव जिंदा था, तेजस्वी यादव जिंदा रहा, तेज प्रताप जिंदाबाद, उसमें वीडियो में वायरल हुआ, बोले थे कि नहीं मनीष कश्यप में शामिल हो गए, क्या कहिएगा इसके बारे में। देखिए अब कोई कैंडिडेट है उनका अपना एक पार्टी में जाने का विचार हुआ है, बहुत पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे, जो उनके फैंस है वो उनसे नाराज आ रहे हैं कि पहले आप घोषणा करते हैं कि हम निर्दलीय, कोई फैन नाराज नहीं है, नहीं चंपारण का कोई फैन उनसे नहीं कोई फैन नाराज है चंपारण पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, बहुत बड़े तैयारी है कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है वो। तो ये हमारे साथ पटना की जनता थी, जिनका कहना था कि मनीष कश्यप जो है अपना मन है किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन एक जो तबका है वो कह रहा है कि नहीं, जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे तो बीजेपी में जाने की क्या जरूरत थी। बाकी आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा हमें बताइए, तब तक धन्यवाद।